नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया ऑनलाइन शुभारंभ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एवं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को RCS उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गौचर हेली सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया। यह सेवा पवन हंसली द्वारा दी जा रही है। इस सेवा के शुभारंभ के अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, श्री राजकुमार, श्री विनय कंडवाल, श्री मनवीर नेगी एवं श्री जगमोहन ने हवाई यात्रा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत जो हेली सेवाएं चलाई जा रही है, स्थानीय लोगों द्वारा इसे काफी पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इस पवन हंसली की यह सेवा प्रति सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चालू रहेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उड़ान योजना से देहरादून देश के दर्जनों शहरों से एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है। गाजियाबाद से पिथौरागढ़ के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित किए गए हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना में देहरादून को पंतनगर, पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़ और गौचर से जोड़ा गया है। पंतनगर हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से अनुरोध किया कि हल्द्वानी, अल्मोड़ा, धारचूला हेतु भी मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को सेवा प्रारंभ की जानी है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत गुप्तकाशी एवं बटकोट में भी हेली सेवाएं प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर्षिल के लिए भी हेली सेवा शुरू हो, इससे गंगोत्री जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा होगी। हर्षिल का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानक जटिल है। उत्तराखंड की परिस्थितियों के दृष्टिगत सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानकों में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक बोझ भी कम होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गौचर हवाई सेवा शुरू होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उड़ान सेवा के अंतर्गत जिन नए यात्रा मार्गों के लिए हेली सेवा शुरू करने के लिए सुझाव दिया गया है, उस पर जल्द ही मुख्यमंत्री से बैठक कर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानकों के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा कर नियमानुसार उचित समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव नागरिक उड्डयन भारत सरकार श्री प्रदीप सिंह खरोला, CMD पवन हंसली, श्री संजीव राजदान, सचिव श्री दिलीप जावलकर, मुख्यमंत्री के उड्डयन सलाहकार श्री दीप श्रीवास्तव, यूकाडा की CEO श्रीमती सोनिका, पवन हंसली, केशरी, राजीव अग्नोत्री, श्री रमेश के आदि उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।